नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो मैं हूं देवपाल और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जब आप गूगल पे में अपने बैंक को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली गाइस आप सामने कुड नॉट फाइंड अकाउंट का पे इशू आ जा रहा है। और फाइनली गाइस यहां पे आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ से नहीं फाइंड हो पा रहा है, जिस वजह से गाइस आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे नहीं ऐड हो पा रहा है इन द गूगल पे एप्लीकेशन। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में गाइस मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बता लूंगा कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, ताकि गाइस यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाए इन गूगल पे एप्लीकेशन। और फाइनली गाइस आप अपने गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर बैंकों को ऐड करके यूपीआई वगैरह आप चला पाएं और बहुत इजीली आप कहीं भी पैसा वगैरह भेज पाएं या फिर अपने बैंक बैलेंस वगैरह आप चेक कर पाएं। तो फाइनली गाइस अगर आप वाकई में इस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं गूगल पे, तो सिंपली गाइस आप इसके लिए प्रॉपर वीडियो पे आए, तो सिंपली गाइस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो अब चलिए गाइस यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा इच स्टेप है जिसको फॉलो करके आप बहुत इजीली आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको इस गूगल एप्लीकेशन से आपको एग्जिट हो जाना है। अब देखिए एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो सिंपली गाइस आपको क्या करना है, आपके फोन में आप जो गूगल एप्लीकेशन है आप इसको प्रेस करके रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए। और सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आपको डिलीट आइकन का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली गाइस आपको डिलीट आइकन पे नहीं क्लिक करना है, ना ही आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन से अनइंस्टॉल करना है। सिंपली गाइस यहाँ पर आपको ऐप इनको या फिर आपको आई बटन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे या फिर सिंपली गाइस आप इसको ऐप मैनेजमेंट में जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आप यहाँ ऐप इनफो या फिर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गाइस गूगल पे का जो ऐप इनफो पेज होगा देखिए ओपन हो जाएगा। अब सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन का स्टोरेज का, तो सिंपली गाइस आप यहाँ स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस आपके गूगल पे का जो स्टोरेज डैशबोर्ड होगा देखिए ओपन हो जाएगा। अब सिंपली गाइस यहाँ से आपको क्या करना है, आपके गूगल पे का जो भी यहाँ पे कैश मेमोरी है उसको क्लियर करना है। अब सिंपली गाइस यहाँ से डाटा क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए जब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है क्लियर आल डाटा। अब गाइस कंफर्म करने के लिए कहेगा तो आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे गाइस यहाँ पे डाटा क्लियर हो जाता है तो सिंपली गाइस जब आपको क्या करना है, ऐसे एग्जिट हो जाना है। अब जैसे आप यहाँ एग्जिट हो जाते हैं तो सिंपली गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन जैसे आप करेंगे तो हमें परमिशन आएगा, तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। अब सिंपली गाइस यहाँ पे देख लिखा वेलकम टू गूगल पे और यहाँ पे देख लिखा हुआ एंटर योर फोन नंबर। तो अभी गाइस आप गूगल पे में आप जो भी बैंक ऐड कर रहे थे यहाँ पे आपको जिस बैंक के साथ इशू आ रहा था, सिंपली गाइस आपके उस बैंक से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है अपने उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे। अब इस तरह से गाइस आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से गाइस अपना एक जीमेल आईडी चूज करेंगे गूगल पे एप्लीकेशन में। तो यहाँ से गाइस आपको इस चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे गाइस आपको ना वही ईमेल आईडी चूज करना है जिसमें आपकी जो एज ऑफ फ्रेंड यहाँ पे 18 साल हो। यहाँ पर आप ईमेल आईडी को चूज करेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको जो नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, तो सिंपली गाइस आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। कभी कभी जो ओटीपी होता है ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाता है, बट अगर नहीं होता है तो सिंपली गाइस आप यहाँ से मैनुअली फिलअप कर देंगे। यहाँ पर देखिए ओटीपी आप जैसे फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। और फाइनली गाइस अब देखिए आपके सामने गूगल पे का जो होम इंटरफेस होगा इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब सिंपली गाइस आपको क्या करना है, अभी गाइस आप यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे और देखिए प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से गाइस आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली गाइस आप यहाँ 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइस आप रेफरल कोड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए रेफरल कोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो भैया जी आपको यहाँ साइड में रेफरल कोड शो हो रहा हो, तो सिंपली गाइस उसी रेफरल कोड आप यहाँ एंटर करेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे गाइस आप ये सब कर लेते हैं तो सिंपली गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब सिंपली गाइस जैसे आप यहाँ बैक आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन का सेंड मनी का, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए गाइस जहाँ से मेरा जो बैंक था वो यहाँ पे जियो पे बैंक था, तो चलिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, फाइनली जहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं जियो टाइप किया और फाइनली जहाँ पे मेरा जो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ चुका है, चलिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे आप बैंक को चूज करेंगे तो समझिए आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फाइनली जहाँ पे देखिए एसएमएस सेंड कर रहा है मेरे बैंक को वेरीफाई करने के लिए। सो गाइस अभी आपने यहाँ पर लाइव देखा कि मेरा जो भी बैंक अकाउंट डिटेल था वो यहाँ से फाइंड हुआ और फाइनली गाइस यहाँ से मेरा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे देख सकते ऐड हो चुका है। तो इस तरह से गाइस आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ से गाइस आप जो प्रॉब्लम आ रहा था कुनाट पैन अकाउंट का वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे। अब देखिए नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे गाइस आप आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मेरा जो अकाउंट डिटेल है यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है, जो बैंक यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब चलिए गाइस यहाँ से मैं आपको बैंक बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इस बैंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से गाइस मैं चेक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। अब गाइस यहाँ से मेरे बैंक का जो भी पीआई पिन है उसको यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए गाइस अगर आप गूगल पे पहली बार बैंक ऐड करेंगे तो आपको पीआई पिन सेट करना होगा, तो आप पीआई पिन सेट कर लेंगे। तो यहाँ से चलिए मेरा जो भी पीआई पिन है उसको यहाँ से मैं एंटर करता हूँ और यहाँ से गाइस मैं राइट मार्क पे क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ से देखिए मेरा जो भी बैंक बैलेंस है उसे फैचिंग करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए 16 रुपीज़ एंड 36 पैसे है मेरे इस बैंक अकाउंट में। अब चलिए जहाँ पर मैं आपकी बेहतर जानकारी लिए एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो इशू अपने दो केस में आता है, पहला तो ये होता है कि मान लीजिए कि गूगल पे में कोई टेम्परेली प्रॉब्लम चला है या फिर कोई टेक्निकल इशू चला है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, और रेंडमली मैंने जो बताया अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बट गाइज ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली तब आता है जब गाइज क्या होता है कि आप गूगल पे जिस नंबर से बनाए और फाइनली गाइज आप यहाँ से जो बैंक चूज कर रहे हैं तो गाइज क्या होता है कि आपके बैंक से कोई और नंबर लिंक होता है और फाइनली गाइज आप जो गूगल पे एप्लीकेशन है किसी और नंबर से बनाए होते हैं तो ऐसे में क्या होता है जो नंबर होता है मैच नहीं होता है। तो ऐसे में गाइज आपसे ऐसा इशू आना लाजमी है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सिंपली आप बैंक जाएंगे तो बैंक में आप अपना नंबर चेंज करा लेंगे या फिर गाइज सिंपली क्या करेंगे आपके बैंक में जो भी नंबर लिंक है अपने उस नंबर से गूगल पे बनाएंगे तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप बहुत इजीली आप यहाँ पर कोरोना पैनिक अकाउंट प्रॉब्लम का ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर गाइस आप मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।